Hello everyone, this is Ayushi. If you are new to my channel, first click on subscribe button. In today's video, I will explain you Python list methods. So, Python has a set of built-in methods that you can use on a list or array. Array is the likha gaya hai ki jo kaam hamare other languages mein array karta tha, wo kaam yahan pe collection data types karte hain aur hum usme first pad rahe hain list. To apne previous lecture mein maine bataya hai ki kaise hum ek list ko print kar sakte hain aur uspe different operation kar sakte hain. Ab hum pad rahe hain method description. To ye jitni bhi methods maine likhe like append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort, ये सारी हम रन करके देखेंगे. अपेंड्स यूज फॉर एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट. क्लियर रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. कॉपी रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट. काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू. एक्सटेंड्स एट द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट और एनी इटरेबल टू द एंड ऑफ द करेंट लिस्ट. Index return the index of the first element with the specified value. Insert adds an element at the specified position. Pop removes the element at the specified position. Remove removes the first item with the specified value. Reverse the order of the list. Sort sorts the list. अब वन बाय वन हम इसके प्रोग्राम के साथ इसे समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं. तो सबसे पहला एग्जांपल ये स्क्रीनशॉट है मेरे कोड जो हम लिस्ट मेथड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम मैंने नम्स दिया है. नम्स में मैंने इंटीजर टाइप आइटम्स को ऐड किया है 10, 20, 25, 30. अब इसी एलिमेंट में इसी लिस्ट में अगर मुझे लास्ट में कोई आइटम को ऐड करना है तो मैं सिंपली क्या यूज़ करूँगी, अपेंड को यूज़ करूँगी. अपेंड एलिमेंट से अपेंड मेथड से मैं एक एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड कर सकती हूँ. सिंटेक्स सिंपल सा है, जो लिस्ट का नेम है लिस्ट लिखोगी, डॉट लगाना है आपको और अपेंड कीवर्ड को यूज़ करना है और जो वैल्यू को आप ऐड करना चाहते हो उसको सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है. नम्स डॉट अपेंड 35 आपने अपेंड कर दिया. जैसे ही आप इसे इंस्ट्रक्ट करोगे ऑन द स्पॉट जो आपकी लिस्ट है उसमें 35 एलिमेंट इंसर्ट हो गया. आप फिर नम्स को प्रिंट कराने के लिए, जैसे कि आपने लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए किया था, आप करेंगे तो देखिए एज आउटपुट आपको मिल गया है 10, 20, 25, 30 and 35 लास्ट में. अब क्लियर नेक्स्ट मेथड मैंने क्लियर यूज़ की है. जैसे ही मैं नम्स डॉट क्लियर करूँगी वैसे ही जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है लिस्ट के अंदर है वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे. मैंने क्लियर किया, क्लियर करने के बाद मैंने नम्स को प्रिंट किया. देखिए ये सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें दिख रहे हैं, इसके अंदर कोई भी आइटम्स नहीं है. अब मैंने क्योंकि इसको क्लियर कर दिया था तो मुझे आगे ऑपरेशन बनाने के लिए फिर से लिस्ट बनानी पड़ी, तो मैंने नेम्स की लिस्ट बनाई है. इसमें मैंने डिफरेंट डेटा टाइप्स को लिया है. इंटीजर हो गया 12, 24.5 हमारा फ्लोट हो गया और आयुषी स्ट्रिंग हो गई. अब मैंने नेम्स को प्रिंट कराने के लिए नेम्स को लिखा और जैसे ही मैंने इसे किया एग्जीक्यूट हो गया मेरा आउटपुट. अब मुझे कॉपी करना है नम्स डॉट कॉपी. जैसे ही मुझे मैंने इसे लिखा, जब आप जिस भी लिस्ट को कॉपी करना चाहते हो उसके साथ वो उसका आप नेम लिखो और डॉट लगा के आप कॉपी विद सर्कुलर ब्रैकेट्स लिखिए. आपके जो लिस्ट में जितने भी आइटम्स उस पर्टिकुलर लिस्ट में होंगे ऐसा आउटपुट आपको मिल जाएंगे. जैसे मैंने यहाँ पे नम्स नेम्स लिया, नेम्स में 12, 24.5 एंड आयुषी था, तो एज इट इज़ आपको आउटपुट में दिख रहा है 12, 24.5 एंड आयुषी. इसके बाद मैंने नम्स डॉट कॉपी को चलाया तो आप देखिए ऊपर नम्स पूरी क्लियर हो चुकी थी, ब्लैंक हो गई थी, तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल खाली लिस्ट यहाँ पर दिख रही है. तो इस तरह से ये तीन मेथड्स को हमने यहाँ पे रन करके देखा है. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम रिमूव को कैसे रिमूव करते हैं, मतलब अगर हमें कोई एलिमेंट को रिमूव करना है तो हम उसे कैसे करेंगे. हम नम्स आप जो भी लिस्ट का नाम आप रिमूव करना चाहते हो, लिस्ट में से जिस एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो उसे आपको सर्कुलर ब्रैकेट में लिखना है और वो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा. जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था 10, मैं उसे रिमूव करना चाहती थी, मैंने डायरेक्ट 10 को लिखा और जैसे ही मैंने 10 को रिमूव किया फिर लिस्ट को
प्रिंट किया तो 10 रिमूव हो चुका है, 20, 30, 40 एंड 45 मुझे दिखाई दे रहा है। इसी तरह से डिलीट भी काम करता है। अगर आपको किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो आप उसको कर सकते हो। मैंने नम्स 2 स्लाइस ऑपरेटर यूज़ किया है, सेकेंड इंडेक्स से लेकर मुझे रिमूव करना था, तो ये देखिए सेकेंड इंडेक्स से लेकर रिमूव हो गया है। आफ्टर डेट पॉप मैंने यूज़ किया है, जिस तरह से हमारा स्टैक में पुशन पॉप वर्क करता था, यहाँ पे भी पॉप वर्क करता है। मैंने पॉप में सेकेंड किया हुआ है, तो जैसे कि हमारा पुशन पॉप का स्टैक में काम रहता है, उसी तरह से यहाँ पे भी काम करेगा। मैंने पॉप 2 लिखा हुआ है, इसीलिए जो सेकेंड लास्ट इसमें ऐड हुआ था वही इसमें से रिमूव होगा। आप लोगों ने सभी ने डेटा स्ट्रक्चर में पोशन पॉप पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है वो यहाँ पर भी लगेगा। अगर मैंने पॉप 1 किया होता तो जो 45 एलिमेंट है वो रिमूव होता। नेक्स्ट है अपेंड, ही ये अगेन आ गया है। अपेंड का शायद से मैंने स्क्रीनशॉट दोबारा लगा दिया है, तो जस्ट आपको अगर कोई भी एलिमेंट को लास्ट में इंसर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, उस एलिमेंट को वहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट में अलोंग विथ अपेंड मेथड आप उसे लगा सकते हैं, एंड आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ये नेक्स्ट जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि हमारी एक काउंट मेथड भी होती है, तो मैंने नंबर ऑफ टाइम्स इन चीज़ों को प्रिंट किया है ताकि मैं इसका आउटपुट ले सकूं। जैसे मैंने आयुषी को 2 बार लिखा है, 12 को 3 टाइम्स लिखा है, 13 एंड 14, 14। तो अब हम देखते हैं, मैंने इसे प्रिंट तो करा दिया है क्योंकि हमें अगर कुछ भी काउंट करना है या क्लियर करना है तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो ये मैंने बना ली है। अब हम इसके आगे के ऑपरेशंस को देखते हैं। तो ये हमने आगे के ऑपरेशंस को देखा, तो हम अपेंड को कई बार देख चुके हैं और अब हम देख रहे हैं क्लियर को। आई थिंक दिट इज कॉपीड, सॉरी फॉर मिसकंसेप्शन। ये वाली स्लाइड में अब आपको क्लियरली समझ में आएगा, वो स्लाइड आई थिंक रिपीट हो गई है। अब मुझे अगर मैंने जो आपको बताया था कि मैंने वहाँ पर मल्टीपल टाइम आयुषी आयुषी और 12, 13, 13 इस तरह से 2, 2, 3, 3 बार लिखा था ताकि मैं क्या कर सकूँ, काउंट कर सकूँ कि कितनी बार ये चीज़ प्रिंट होती है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं num.countAyushi लिखूंगी तो जितनी बार काउंट आया है उतनी बार उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि वो प्रीवियस वाला स्क्रीनशॉट मैंने जो दिखाया था, 1 मिनट, इसमें देखिए ये वाला जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था इसमें मैंने 2 बार आयुषी को लिखा है, तो जो आउटपुट मुझे मिला है इसमें भी 2 टाइम्स आयुषी लिखा हुआ है। देखिए name.countAyushi एंड 2 टाइम्स आयुषी वहाँ पे प्रिंटेड था, इसी वजह से यहाँ पर भी वो आ गया। इस वीडियो में थोड़ा स्क्रीनशॉट मेरे इधर उधर हो गए हैं तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं समझा रही हूँ बाकी किया क्या है। आफ्टर डैट जो हमारा एक्सटेंड है, नेक्स्ट हमारी मेथड लिस्ट की मेथड हमारी एक्सटेंड है, तो एक्सटेंड का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है, आप जिस भी लिस्ट को एक्सटेंड करना चाहते हो वो लिस्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, एक्सटेंड लगाएंगे, और जो भी आप जिसे भी एक्सटेंड करना चाहते हो, जिस लिस्ट को उसके साथ एक्सटेंड करना चाहते हो उस लिस्ट का नाम लिखेंगे। जैसे कि मुझे 1, 2 लिस्ट चाहिए, एक लिस्ट के आगे दूसरी लिस्ट, तो एक लिस्ट का नाम था मेरा नेम, दूसरी लिस्ट का नाम था मेरा नम, तो दोनों लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी आइटम्स थे, ये सारे के सारे ज्वाइन होकर आ गए हैं और वो किस में चले गए हैं, नेम में। और अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ, सपोज आपने a=1, 2, 3, 4 की लिस्ट बनाई है और b=4, 5, 6 की लिस्ट बनाई है, तो अगर आपको a के बाद ही एक्सटेंड करना है, आपको लिस्ट a ही बनानी है और a में ही जो b के एलिमेंट्स भी थे वो भी अगर ऐड करने हैं तो आपको क्या यूज़ करना होगा, एक्सटेंड। और एक्सटेंड यूज़ करने के लिए आप सिंपल क्या लिखोगे, a.extend b, तो a के लिस्ट के मेम्बर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में उसमें b के भी मेम्बर्स आ जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हुआ 12, 13, 14
2025-26। ये ऊपर नेम की लिस्ट बनी हुई है, नीचे नम की लिस्ट बनी हुई है, और दोनों को एक्सटेंड कर दिया तो ये दोनों कंबाइंड होकर आ गए। अब अगर आपको रिवर्स करना है किसी भी लिस्ट को, तो आप नेम डॉट रिवर्स करोगे कि तो पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, 26, 25, 20, 14, 13 एंड 12, ये पूरी रिवर्स हो गई। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कीवर्ड यूज़ करोगे, सॉर्ट, सर्कुलर ब्रैकेट लगाओगे, उसे प्रिंट करोगे 12, 13, 14, 20, 25 एंड 26। सॉर्टिंग में जो भी आपका रहता है लिस्ट, उसे इंक्रीमेंट में हम सॉर्ट कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू, इफ यस सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं बहुत 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 मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको, आपके लिए बेनिफिशियल हो, और आप मुझे बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।